देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण नहीं है नगर निगम के अंदर। फुरकान अहमद का नाम क्यों नहीं है पत्थर पे अगर बात करी जाए? आप देख सकते हैं अभी हम जो खड़े हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति के पास में खड़े हैं, और आपको हम बता दें कि विधायक देशराज कर्णवाल जी के नाम को लेकर उनके समर्थकों ने विरोध किया था, जिसके बाद अब ये पत्थर फिर से बदला गया है। और इसमें आपको हम बता दें कि जो रुड़की नगर निगम के चार विधायक पदेन सदस्य होते हैं उनमें से सिर्फ तीन ही विधायकों के नाम यहाँ पर लेके गए हैं, जिनमें प्रदीप बत्रा हैं, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है और देशराज कर्णवाल हैं। और इसमें जो चौथे विधायक हैं विधायक फुरकान अहमद, उनका नाम यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, जिसको लेकर अब राजनीति फिर से गर्मा गई है। हमारे साथ करमजीत खोकर भी हैं जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, उनसे जानेंगे वह क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से। पहले तो दीपक भाई, मेरा मानना यह है कि ये राजनीति के अंदर एक बहुत ओछी स्तर की मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है। अगर मूर्ति स्थापित हो रही है अच्छी चीज़ है, अच्छा काम शहर में होना चाहिए, लेकिन उसमें नाम किसी का लिखा मिटाया ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सबकी सहमति से। फिर दूसरी बात आती है, अगर आप नाम लिख रहे हो तो यहाँ आप देखिए नाम लिखा जा रहा है प्रदीप बत्रा जी, गौरव गोयल, देशराज कर्णवाल जी, कुंवर प्रणव चैंकियन, फुरकान अहमद कांग्रेस से विधायक हैं, क्या उनका क्षेत्र नहीं है नगर निगम के अंदर? फुरकान अहमद का नाम क्यों नहीं है पत्थर पे अगर बात करी जाए? अगर सिंसियर हो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल कि हाँ सबके नाम होने चाहिए, कांग्रेस तो नहीं आई लड़ने के लिए, लेकिन मैं तो एक जनहित की बात करूँगा भाई, है तो विधायक ना, जनता प्रतिनिधि है, चुना हुआ है, मेंबर ऑफ असेंबली है, तो उनका नाम यहाँ पे क्यों नहीं है? चलिए, करमजीत खोखर जी ने बताया कि जब सभी विधानसभा क्षेत्र जो कि रुड़की क्षेत्र में आते हैं, नगर निगम में आते हैं, उनका नाम इस शिलापट पे आखिर क्यों नहीं है? ये बात बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जब यहाँ पर गौरव गोयल जी का नाम है जो कि मेयर है, विधायक प्रदीप बत्रा जो स्थानीय विधायक है रुड़की के, देशराज कर्णवाल जी जो कि एक पदेन सदस्य है और यहाँ के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, तो जो चौथे विधायक जो कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत आते हैं कलियर विधानसभा के विधायक फुरकान अहमद, उनका यहाँ पे नाम क्यों नहीं है, इस बात को लेकर इन्होंने आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील त्यागी जी भी है। सर, जिस तरह से मूर्ति का आज यहाँ पर शिलापट बदला जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, ये किसी भी, मुझे नहीं पता क्या कारण रहा होगा, लेकिन इसमें सम्माननीय विधायक जी का नाम नहीं था, तो आज अधिकारियों द्वारा और निगम द्वारा एक नया शिलापट है जिसमें हमारे सभी सम्मानित विधायक माननीय प्रदीप बत्रा जी, माननीय चैंपियन साहब, देशराज कर्णवाल जी, सभी का नाम का एक दूसरा बोर्ड लगाया जा रहा है। और जो भूल हुई थी उसमें ये नुकसान जो हो रहा है जनता का हो रहा है, इस पे पैसा लग रहा है जनता का लग रहा है, नाम को लेकर राजनीति हो रही है, शहर के विकास को लेकर कोई राजनीति नहीं बात कर रहे, सब नाम को लेकर झगड़ा करने में लगे हुए कि मेरा नाम उसका नाम नहीं, इस बारे में आप? ये झगड़ा नहीं, एक भूल थी जिसको सुधार किया जा रहा है। नहीं, आप ये मानते हैं कि जो पैसा जनता का खर्च हो रहा है, ये पैसा जो खर्च हो रहा है पत्थर भी काफी महंगा है, ये जो भूल थी उसको सुधार किया जा रहा है, मैं इतना ही कहूंगा। चलिए, जो भूल थी उसको सुधार किया जा रहा है। जनता का नाम पर विवाद हो रहा था और आपने फिर से अपना नाम उसी शिलापट पे दोबारा से लिखवा दिया है। मेरे नाम से कोई विवाद नहीं होता दीपक जी, स्थानीय पार्षद है, वार्ड इधर जो संजय इधर भी आपका ही वार्ड है और इधर भी, तो ये आपके वार्ड में ही आती है मूर्ति। जब आपका नाम उधर लिख दिया गया था 48 पर्दों के साथ, तो आपने अलग से अंकित करवाया है, तो इसलिए विवाद की बात है, सब मंत्रियों के नामों का जो विवाद था इसमें खत्म हो गया। पार्षद पति हरीश शर्मा कहना है कि उनके नाम को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन हम देख रहे थे कि उस दिन नीतू शर्मा के नाम को लेकर भी विवाद था और देशराज कर्णवाल के नाम को भी लेकर विवाद था, लेकिन अब यहाँ पर पत्थर बदला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वह पत्थर बदलने का काम कर रहे हैं।